तो फिलहाल मैं हूँ अभी LTT यानी कि लोकमान्य तिलक स्टेशन मुंबई में, और आज हम ट्रैवल करने वाले हैं मुंबई से प्रयागराज के बीच चलने वाली सबसे फास्टेस्ट ट्रेन प्रयागराज दुरंतो एक्सप्रेस में, जो 1342 किलोमीटर की दूरी को 19 घंटे 15 मिनट में पूरा करती है। तो बिल्कुल टाइम जो तो पहुँच गए और ट्रेन ऑलमोस्ट खाली है, मतलब बहुत सीट्स खाली है। जब हमने करंट देखा था ना, तो अराउंड 600 सीट जो थी वो खाली थी थर्ड एसी में। फिलहाल करंट में कुछ भरी होगी, पर फिलहाल तो हमारा कोच तो खाली लग रहा है। बाकी देखते हैं और कोच के और कितने कोचेस खाली है। फिलहाल यहाँ पे हमारे साथ चिन्मय भाई हैं, चिन्मय कोड़े करके इनका चैनल है, बहुत ही बढ़िया कॉन्टेंट डालते हैं। और ये छोड़ने आए थे, मल्हार भी आए हुए हैं। सौरभ भाई तो हमेशा रहते ही हमारे साथ, बस आज ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, दुख है इस बात का, घमंड आ गया बस। यहाँ से पूरा एंड टू एंड बहुत मन था मेरा कि इसमें ट्रैवल करूँ मैं, और मन तो था 1 AC में ट्रैवल करने का, लेकिन जब मैंने टिकट की थी तो उस वक्त वेटिंग 8 था, और आज देखा तो करंट में 8 सीट खाली थी, तो ये थोड़ा स्कैम हो गया मेरे से। हमारे टिकट में केटरिंग चार्जेस भी जुड़ा है, तो खातिरदारी तो होती रहने वाली है। तो अपना डिपार्चर जो है बिल्कुल अपने तय वक्त यानी कि 5:25 पे LTT यानी कि लोकमान्य तिलक टर्मिनल से हो चुका है। ट्रेन तो ऑलमोस्ट खाली है, फिर भी हमने साइड लोअर और साइड अपर सीट जो है वो ऑप्ट की थी, बस इसलिए ताकि हम लोग मतलब आराम से एक साइड रह सकें और अगर भीड़ हो तो कोई दिक्कत ना हो। लेकिन भाई यहाँ तो ऑलमोस्ट पूरी ट्रेन ही खाली है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये भी साइड लोअर खाली है, ऑलमोस्ट ये भी साइड लोअर खाली है, यहाँ भी काफ़ी कम लोग बैठे हैं, ये भी चलो ठीक है हमें भरा हुआ है। ऑलमोस्ट सीटें जो है ना वो खाली दिख रही है मुझे तो यहाँ पे। और हाँ, एक और चीज़ जो डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस है ना, शायद उसके साथ हमारा पैरेलल ओवरटेक जो है वो देखने को मिल जाए, मतलब ओवरटेक तो नहीं बट कुछ भी पैरेलल में एक्शन को देखने को मिल जाए। इस ट्रेन में बैठने का ना एक बहुत बड़ा सपना है, पर न जाने कब वो पूरा होगा। डेक्कन क्वीन को ओवरटेक करने की उम्मीद तो अब समझो खत्म ही हो गई, पर क्या खूबसूरत सूर्यास्त हो रहा है इन पहाड़ों के पीछे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बात करना चाहता हूँ वीगो ऐप के बारे में, जो कि एक वर्ल्ड वाइड ट्रैवल ऐप है, जहाँ से आप होटल, फ्लाइट और डिफरेंट एक्टिविटीज जो है वो बुक कर सकते हो। और अब तो हाल ही में वीगो ने IRCTC के थ्रू ट्रेन टिकट बुकिंग जो है वो शुरू कर दी है, और यहाँ पे ट्रेन टिकट बुक करना बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से वीगो ऐप को डाउनलोड करिए, उसके बाद से ऐप ओपन करके ट्रेन वाले आइकन पे क्लिक करिए, फिर उसके बाद से अपना सोर्स और डेस्टिनेशन स्टेशन जो है वो चूज़ कर लीजिए, डेट फिल कर लीजिए और अपनी फेवरेट ट्रेन जो है वो चूज़ करके टिकट बुक कर दीजिए। और हाँ, मेरी एक सलाह रहेगी कि जिस रूट पे आप ट्रेन की टिकट बुक कर रहे हो ना, एक बार ज़रूर से उस रूट पे फ्लाइट जो है वो चेक कर लो, क्योंकि होता ये है कि कई बार वीगो आपको ट्रेन से भी सस्ती फ्लाइट टिकट जो है वो दे देता है। तो फिर देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वीगो ऐप को डाउनलोड करिए, और हाँ, अगर आपने ऑलरेडी ऐप को डाउनलोड करके रखा हुआ है तो एक बार इसे अपडेट कर लिए, कि अपडेट के बाद से इसमें बहुत सारे नए फीचर जो है वो ऐड हो चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये किस ट्रेन को पैरेलल में ओवरटेक कर रहे हैं हम? अरे ये तो ओखा टूटीकोरिन विवेक एक्सप्रेस है। ये क्या, इस ट्रेन ने भी हमसे बदला ले लिया, ये तो गलत बात है। और इसी के साथ अपनी शाम की चाय भी आ जाती है। और फिलहाल हमारी ट्रेन जो है वो कल्याण जंक्शन को स्किप कर रही है, और बस यहाँ आने के बाद ना, एक तो जो डेक्कन क्वीन थी उसका तो ओवरटेक करने का मतलब पैडल में एक्शन देखने का वो सपना तो पहले टूट गया, और उसके बाद से ये जो ओखा टूटीकोरिन विवेक एक्सप्रेस थी ना वो भी हमें ओवरटेक करके गई, और वो भी अब यहाँ से पुणे की तरफ निकल जाएगी। तो बात करें कल्याण जंक्शन की, तो उसको जंक्शन इसलिए बोलती हूँ कि यहाँ से एक लाइन जो है वो निकल जाएगी भुसावल की तरफ, जिधर हम जाने वाले हैं, यानी कि ये कसारा घाट होते हुए, और एक लाइन यहाँ से निकल जाएगी पुणे की तरफ, जिधर डेक्कन क्वीन और ये ओखा टूटीकोरिन जा रही है। तो भाई डेक्कन क्वीन का जो पैडल एक्शन है वो देखने को मिला, बाकी ओखा टूटीकोरिन एक्सप्रेस जो है, विवेक एक्सप्रेस जो है, वो भी हमें पैडल में ओवरटेक कर गई। खैर, कल्याण के जाने के बाद सारी उम्मीदें जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं, और अपना इवनिंग टी जो है वो आ चुका है। भाई थर्ड AC में इवनिंग टी में आपको ये मिलता है दुरंतों में,
सब साइड आइटम है, मतलब कि ये भी बीका जी का भेलपूरी जो है वो मिलता है, चने मिल जाते हैं, मफिन्स जो है वो मिल जाता है, और ये चीज़ जो है जो कि टेस्ट करने वाली होगी मेरे ख्याल से, ये समोसे होने वाले हैं। ये समोसे जो हैं वो दिए गए हैं, और ये बॉटल जिसमें गर्म पानी और चाय की सामग्री, तो ये आपको मिलती है इस दुरंतो एक्सप्रेस के टी में। और फिलहाल हमारी ट्रेन जो है ना वो कसारा रेलवे स्टेशन पे आके रुक चुकी है। तो यहाँ पे ट्रेन जो रुकी है ना, यहाँ पे इसका कोई कमर्शियल हॉल्ट नहीं है, यहाँ पे ट्रेन सिर्फ रुकी है क्योंकि यहाँ पे जो बैंकर्स हैं वो अटैच होने वाले हैं, और क्योंकि आगे घाट सेक्शन है तो बैंकर्स जो है वो अटैच होते हैं पीछे की तरफ, और इसके बाद ट्रेन यहाँ से निकलने वाली है। खैर स्टार्टिंग में जब ये दुरंतो 2012 में स्टार्ट हुई थी ना, तब इससे कोई कॉमर्शियल हॉल्ट ज़्यादा थे नहीं, तो ये बिल्कुल नॉन स्टॉप चला करती थी मुंबई से प्रयागराज। लेकिन एक वक्त के बाद जब लोगों की डिमांड आई कि भाई यहाँ पे हॉल्ट होना चाहिए, जो भी इसके टेक्निकल हॉल्ट थे उसको फिर कॉमर्शियल हॉल्ट जो है वो बना दिए गए, तो इस तरह से इसके फिर इतने सारे हॉल्ट जो है वो हो गए। और अगर ये दिन का वक्त होता ना तो आपको खूबसूरत कसारा घाट जो है वो देखने को मिलता, पर चारों तरफ अंधेरा जो है वो छाया हुआ है तो कोई मतलब नहीं है। चलिए अब फिलहाल तो बहुत सारे स्टेशन जो है वो स्किप होने वाले हैं तो उनको देखेंगे, पर एक चीज़ अच्छी लगी मुझे साइड डोर सीट में, और ये सिर्फ नए वाले कोचेज में देखने को मिलती है, फिर जो हम सफ़र वाले कोच थे उनमें देखने को मिलती है कि साइड में ये लगा होता है जिससे अब ये पूरा जो है ना एकदम फर्स्ट क्लास सीट हो गया। साइड लोड जो लोग लेते हैं ना उनको बड़ा दुख होता है कि बीच में एक पार्टीशन के कारण से उनको बैक में पेन होता है, लेकिन इसके होने से सीट बहुत अच्छी हो जाती है। फिलहाल मनमाड जो है ना वो एक बड़ा स्टेशन है, और उसको हमारी ट्रेन जो है वो एक अच्छे खासे रफ्तार में स्किप करती है, तो वो देखना बहुत मज़ेदार होगा। अच्छा ट्रेन जो है ना इगतपुरी रुकती है क्योंकि यहाँ पे ट्रेन का जो कोई हॉल्ट नहीं है, टेक्निकल हॉल्ट है, जो बैंकर्स अटैच हुए थे कसारा में वो यहाँ पे अब डिटैच हो जाते हैं। वैसे अपना डिनर जो है वो तो आ चुका है, लेकिन फिलहाल अभी नासिक रोड का स्किप जो है ना वो होने वाला है, तो चलो पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद डिनर जो है वो करते हैं। साढ़े आठ बजने वाले हैं, और नासिक का जो स्किप था ना बहुत ही ताबड़तोड़ बहुत ही बढ़िया था, अराउंड 110-112 के स्पीड में हमने नासिक को जो है वो स्किप किया। खैर अपना डिनर जो है पहले ही आ गया था, बहुत दिनों के बाद ना किसी प्रीमियम ट्रेन के थर्ड एसी में फूड रिव्यू जो है वो मैं कर रहा हूँ। इससे पहले जो लास्ट ट्रेन थी वो थी जम्मू राजधानी, और उसके बाद से अब थर्ड एसी में ट्रैवल कर रहा हूँ किसी प्रीमियम ट्रेन के, तो भाई इसमें दाल पनीर रोटी मिल जाती है आपको, चावल मिल जाता है, ये सब जो आपको चीज़ मिलती है, दही जो है वो तो मैंडेटरी होती है तो मिलता ही मिलता है। तो ये है हमारा आज का डिनर, और अब टेस्ट की उम्मीद पता नहीं, मतलब ऐसे उम्मीद तो कुछ है नहीं, मतलब हम बहुत ज़्यादा उम्मीद जो है वो नहीं कर सकते। दाल थोड़ी ठीक होनी चाहिए, दाल जो है ना वो सही है, पनीर थोड़ी सी गड़बड़ है, मतलब टेस्ट उतना अच्छा नहीं है, दाल अच्छे हैं। चलिए मैं अपना डिनर जो है वो फिनिश करता हूँ, और उसके बाद मिलता हूँ सीधे आपसे जो हमारी ट्रेन मनमाड को स्किप कर रही होगी, बहुत ही अच्छा स्किप होने वाला है। नासिक का तो बहुत अच्छा था, लेकिन मनमाड का स्किप भी बहुत बढ़िया होने वाला है। तो अपना डिनर हो गया, मनमाड का स्किप भी हो गया, और अब जो नेक्स्ट हॉल्ट है ना, मतलब ऑब्वियसली जो पहला हॉल्ट है, पहला जो कमर्शियल हॉल्ट है इस ट्रेन का, वो है भुसावल, जो कि रात में करीब 11:40 पर आने वाला है। तो अपने पास आराम से 2.5 घंटे का वक्त है, तो सोच रहा हूँ कि आराम से थोड़ा सो लेते हैं, नींद थोड़ी पूरी करते हैं। तो कुछ देर के लिए सो जाता हूँ, और जब 11 बजे नींद खुलती है तो ट्रेन अपने पहले हॉल्ट यानी कि भुसावल जंक्शन पर पहुँचने वाली होती है। तो रात के ना
11:06 का वक्त हुआ है और फाइनली पहुंच चुके हैं भुसावल जंक्शन। हालांकि मैं बिल्कुल सो गया था, लेकिन अचानक से नींद खुली और देखा तो ट्रेन जो है वो भुसावल पहुंचने वाली थी। अच्छा, बात करें भुसावल की ना, तो ये भुसावल जलगांव का जो एरिया है ना, यहाँ पे बनाना का जो प्रोडक्शन है बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, बात करें अगर भुसावल की, तो उसको जंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ वर्धा, खंडवा और जलगांव की लाइन जो है वो निकल जाती है। तो भुसावल से निकलने के बाद अब अगला हॉल्ट इटारसी सुबह के 3 बजे है, तो इतना देर तो मैं इंतज़ार नहीं कर सकता, पर सुबह करीब 6 बजे जब ट्रेन जबलपुर पहुंच रही होगी तब मैं उठने की कोशिश करूंगा। तो गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, और फिलहाल सही समय पे नींद खुली क्योंकि ट्रेन पहुंच चुकी है जबलपुर और हल्की फुल्की ठंड भी अब महसूस हो रही है। और यहाँ की चाय ना ठीक ठाक मिल जाती है अन्य स्टेशन की तुलना में। तो सुबह के 6:30 का वक्त हो चुका है और फाइनली पहुंच चुके हैं जबलपुर। वैसे अगर देखा जाए तो ट्रेन आधे घंटे यहाँ लेट पहुंची है। जो एक्चुअल अराइवल टाइम था यहाँ का वो था सुबह के 6 बजे का, लेकिन ट्रेन जो थी वो अराउंड आधे घंटे लेट इटारसी में हो गई थी। पर उसके बाद ट्रेन ने काफ़ी अच्छा कवर किया था, मतलब श्रीधाम काफ़ी टाइम से पहुँच गई थी, लेकिन उसके बाद ट्रेन पता नहीं क्या हुआ ऑलमोस्ट यहाँ आधे घंटे की देरी से पहुँची है। तो 10 मिनट के हॉल्ट के बाद ट्रेन 6:40 पे जबलपुर से निकल चुकी है और फिर करीब 2.5 घंटे बाद सतना नेक्स्ट हॉल्ट होने वाला है। जबलपुर की तो ये जंक्शन तो नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ से मतलब कुछ ही दूरी पे एक स्टेशन है कच्चेपुरा, वहाँ से एक लाइन जो है ना वो नैनपुर की तरफ निकल जाती है। हालांकि वो लाइन जो है वो अभी तक कम्प्लीट शायद नहीं हुई है, गॉज कन्वर्जन अच्छे से उसका नहीं हुआ है। जो लोग यहाँ के वो कमेंट करके जरूर से बताना आप लोग। बाकी जबलपुर जो है वो जंक्शन, अगर जंक्शन बोलते भी है इसको, सिर्फ इसीलिए बोलती हूँ कि आगे जो कच्चपुरा है वहाँ से एक लाइन जो है वो निकलती है। और ये जबलपुर का पुराना नाम आज भी आपको इस रेलवे की पुरानी इमारत में देखने को मिल जाता है। अभी ब्रेकफास्ट को आने में तो समय है, तब तक आप इस खूबसूरत सनराइज का आनंद उठाइए। चाय तो आ गई, चाय क्या गर्म पानी है जिसमें चाय सामग्री मिलानी होती है, बस फॉर्मेलिटी की चाय होती है ये। वैसे मैं पूरा यकीन से बोल सकता हूँ कि जो चाय हमने जबलपुर में पी थी ना वो चाय कहीं ज्यादा अच्छी होगी इससे। जबलपुर से निकलने के बाद ना सीधे ट्रेन जो है वो सतना में रुकने वाली है, लेकिन सतना से पहले कटनी स्टेशन जो है वो आता है और ट्रेन उसको स्किप करने वाली है। हालांकि जितने भी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ होती हैं ना, अच्छी अच्छी नॉर्मल पैसेंजर ट्रेन हो गई, कुछ प्रीमियम गाड़ियाँ जो है वो कटनी में रुकती हैं, लेकिन इसका हॉल्ट जो है वो कटनी में नहीं है। बस बस, थैंक यू। तो ये कुछ 3rd AC का ब्रेकफास्ट, इसमें आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप कटलेट ले सकते हो या तो आप पोहे ले सकते हो। तो हम लोग 2 लोग सफ़र कर रहे हैं तो दोनों चीज़ें जो है वो मंगा दिया। इसमें कटलेट है और ये पोहे हैं। अब दोनों को थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं। पोहे थोड़े अच्छे हैं, मतलब सॉफ्ट है, पोहे ठीक ठाक हैं। थोड़ा कटलेट जो है वो भी टेस्ट कर लेते हैं। कटलेट जो है वो भी थोड़े से एवरेज हैं और पोहे जो हैं वो ज़्यादा अच्छे लगे। तो ये अपना 3rd AC का ब्रेकफास्ट, ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर आप फर्स्ट क्लास सफ़र करते तो आपको और भी चीज़ें मिलती, लेकिन 2nd AC और 3rd AC में सिर्फ इतना ही आपको मिलता है। अपना ब्रेकफास्ट जो फिनिश करते हैं और कटनी का जो स्किप है वो देख लेते हैं। अच्छा, कटनी से ना बहुत सारी लाइनें जो हैं वो अलग हो जाती हैं और ऑलमोस्ट इंडिया के सारे डायरेक्शन में जो है यहाँ से ट्रेन निकल जाती है। ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना, ये लाइन निकल जाती है टूवर्ड बिलासपुर की तरफ, और आगे और भी रूट से दिखाऊंगा आपको कि जो अलग होते हैं यहाँ से। फिलहाल ये लाइन जो है वो बिलासपुर की तरफ निकल जाती है और ये लाइन जो है ये सागर दमोह की तरफ निकल जाती है। तो भाई बहुत सारी लाइनें जो हैं वो अलग होती हैं यहाँ से।
और अगर ट्रेन यहाँ पे रुकती ना तो यहाँ के समोसे और चाय जो है ज़रूर ट्राई करता मैं, क्योंकि अच्छे मिलते हैं। मतलब सुना है मैंने कि अच्छे मिलते हो, कई बार मुझे भी अच्छे मिले, ट्रेन की चाय तो अच्छी होते बाकी हाँ एक चीज़ है कि इधर ठंड तो बहुत है। जब हम मुंबई से निकले थे तो उस वक्त हाफ़ टी शर्ट में थे और अभी का आलम आप देख सकते हो, जैकेट जो है वो चढ़ा के रखा हुआ है। ट्रेन का खाना भले ही अच्छा ना हो पर ट्रेन की साफ सफाई बहुत ही अच्छी रहती है। अब इन पहाड़ियों को देख करके समझ में आ रहा है कि बहुत ही जल्दी हम मैहर स्टेशन पहुंचने वाले हैं। मैहर में शारदा देवी का मंदिर तो फेमस है ही, पर यहाँ का सीमेंट बहुत ही प्रसिद्ध है और बहुत सारी सीमेंट फैक्ट्रीज आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। तो मैहर से निकलने के बाद सतना के पास पहुँचने वाले हैं। अराउंड 34 किलोमीटर रास्ता जो है वो मैहर सतना के बीच में है। बाकी एक चीज़ है कि दिन के वक्त में ना ये रूट एक्सप्लोर करने का एक अलग ही मज़ा होता है, सब कुछ बहुत ही अच्छा लगता है और ख़ास तौर पे ठंड के मौसम में ये रूट बहुत अच्छा लगता है मुझे। हल्की हल्की गुलाबी ठंड होती है, धूप के अलग मज़े लगते हैं, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। फिलहाल चलते हैं बाहर, थोड़ा धूप सेकते हैं और सतना का अराइवल जो है वो भी ले लेते हैं। थोड़ा तो पी लो। नहीं नहीं अच्छी चाय बना। तो फाइनली इस खिली हुई धूप के साथ अपना अराइवल जो है वो सतना जंक्शन पे हो रहा है। तो फाइनली पहुंच चुके हैं सतना जंक्शन। और बात करें सतना जंक्शन की तो भाई ये जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से सिर्फ एक लाइन जो है वो निकलती है रीवा की तरफ, और आपको पता है कि रीवा जो है ना एक टर्मिनल स्टेशन है। और यहाँ पहुँचने का जो सही समय था वो था सुबह के 8:58। बाकी ट्रेन यहाँ करीब 30 मिनट की देरी से पहुँची है और इसके बाद ना ट्रेन का कोई हॉल्ट बचा नहीं है, सीधा ट्रेन यहाँ से प्रयागराज जो है वो रुकने वाली है। और यहाँ के समोसे भी कटनी वाले समोसे जैसे ही थे, मुझे समझ नहीं आया पर वाकई में बहुत ही लजीज थे ये। ये हल्की गुलाबी ठंड और सरसों के खेत, बाकी इस मौसम में ना और इस नज़ारे की अलग ही बात होती है। साइलोर सीट से नज़ारों को निहारते निहारते कब नींद लग जाती है पता ही नहीं चलता, और जब नींद खुल रही होती है तो एमपी की सीमा को पार कर अब यूपी में हम एंटर होने वाले थे। तो काफ़ी देर से एमपी में घूमने के बाद अब फाइनली हमारी ट्रेन जो है वो यूपी में एंटर कर चुकी है, और यूपी के अंदर अपना पहला बड़ा स्टेशन जो है वो मानिकपुर जंक्शन जो है वो आने वाला है। लेकिन हमारी ट्रेन मानिकपुर जंक्शन रुकने नहीं वाली है क्योंकि यहाँ पे कोई हॉल्ट नहीं है हमारा।
पर एक चीज़ तो है कि सर्दियों में ये जो धूप है ना बहुत ही प्यारी लगती है, बहुत अच्छी लगती है, और मन करता है बस ऐसे ही धूप में बाहर खड़े ही रहें। और ये रूट मुझे इसलिए बहुत ही अच्छा लगता है। और ये बांदा की तरफ से आने वाली लाइन हमें बता रही है कि मानिकपुर जंक्शन को अब हम स्किप करने वाले हैं। और यहाँ कुछ और लोगों को ट्रेन के खाने से दिक्कत हुई थी तो उन्होंने भी यहाँ कंप्लेन की थी। और ये दुर्ग छपरा सारनाथ एक्सप्रेस है जिसको हम ओवरटेक कर रहे हैं। तो दोपहर के 12:06 हो चुके हैं और पहुंच चुके हैं नैनी जंक्शन। हालांकि मानिकपुर के बाद ना मैं बिल्कुल सो गया था, मतलब नींद जो है वो लग गई थी, और जैसे ही उठा तो देखा ट्रेन नैनी जंक्शन जो है बस पहुंच ही रही थी। अभी फ़िलहाल ट्रेन को प्रयागराज पहुंच जाना चाहिए था लेकिन फ़िलहाल अभी नैनी पहुंचे हैं। और नैनी के बाद हम विशाल यमुना नदी को भी क्रॉस करते हैं और ये ब्रिज बहुत ही लंबा है और ट्रेन भी काफ़ी स्लो चलती है इसलिए बहुत वक्त लग जाता है इस नदी को पार करने में। पर फाइनली अब अपना अराइवल प्रयागराज पे हो रहा है। तो चलिए अपनी जर्नी फाइनली यहाँ पे एंड होती है प्रयागराज दुरंतो में। और यहाँ इसके पहुँचने का सही वक्त था ना वो था 12:40, लेकिन ट्रेन बिल्कुल अपने ऑन टाइम पहुंची है। हालांकि ट्रेन बिफोर टाइम आराम से पहुंच सकती थी क्योंकि नैनी हम करीब 12 बजे ही पहुँच गए थे, लेकिन प्रयागराज जो है ना मानना पड़ेगा उसको, मतलब ठीक है वो दूसरी गाड़ियों को तो छोड़ दीजिए, अपनी गाड़ियों को भी ये इतना पहले जो है वो नहीं ले सकता। मतलब पता नहीं प्रयागराज कुछ ज़्यादा ही सख्त है इस मामले में। बाकी मतलब ट्रैवल की वजह से सकते हैं भाई, जर्नी का एक्सपीरियंस दो शब्द मज़ेदार अच्छा था ना। ट्रेन बढ़िया है, खाना बेकार है। वही ट्रेन अच्छी है लेकिन खाना जो है वो सही में वाकई में जो क्वालिटी है वो थोड़ी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। बाकी चलिए अब यहाँ से अब मैं जाऊँगा बनारस की तरफ, कोई देखते हो कोई कौन सी गाड़ी अभी मिलती है मुझे। अच्छा तो काफ़ी लगता है जब आपकी जर्नी जो है वो ख़त्म हो जाती है। और हमारा एक्सपीरियंस जो था ना इस ट्रेन में मतलब मिक्स था, मतलब अच्छा था, रूट अच्छा था। काफ़ी टाइम सोच रहा था मैं कि इस रूट को थोड़ा दिन के वक्त में ट्रैवल करूँ, जबलपुर से जो पूरा प्रयागराज का रूट है ना, और आज वो हमने कर ही लिया। बाकी अगर बात करें ट्रेन की ना तो ट्रेन अच्छी है मतलब ट्रेन पंक्चुअल थी। हालांकि आउटर पर ट्रेन को रोक कर काफ़ी लेट करवाया गया लेकिन ट्रेन ऑन टाइम पहुंची है। बाकी आपसे मिलते हैं ऐसे ही नए किसी व्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। हालांकि व्लॉग को मैंने बहुत शॉर्ट बनाया, मतलब बहुत चीज़ें मैंने स्किप की, बस इसलिए क्योंकि जो रिपीटेड रूट है ना मैं उसको बार बार दिखाने का मन नहीं करता, इसलिए सिर्फ आपको जो मेन चीज़ें होती है वही दिखाता हूँ। तो चलिए मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।